नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज का जो MP पटवारी का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन मिले हैं जो कि आज पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी संवैधानिक भाषाएं अधिकृत हैं? तो ये 22। अगला, वर्तमान स्वरूप में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन है कि चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो चचाई जलप्रपात है रीवा में। एक क्वेश्चन आया था कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो है मध्य प्रदेश में, MP में। अगला क्वेश्चन है कि पुनासा बांध कहाँ पर है? तो पुनासा बांध जो है खंडवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है ढार्स कुमार भानवाला। अगला, रजनीश कुमार किसके अध्यक्ष हैं? तो रजनीश कुमार अध्यक्ष हैं SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तारकेश्वर जो मंदिर है वो हमारा आगरा में है। अगला, पुरातत्व संग्रहालय में सांची की स्थापना किसने की? तो पुरातत्व संग्रहालय में सांची की स्थापना की थी जॉन मार्शल ने। एक क्वेश्चन आया था कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, या सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है गुना में। एक क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश परत भूमि अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ का अनाज उत्पादन मध्य प्रदेश में 2016-17 में कितना हुआ? ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था कि सेसा आर्किड अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला, सरकारी बैलगाड़ी खरीदने के लिए कितना अनुदान देती है? मतलब सरकार जो है बैलगाड़ी खरीदने के लिए कितना अनुदान देती है? तो 50%। अगला, साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य है? तो 111 किलोमीटर। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग रिपीट करते हैं क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी संवैधानिक भाषाएँ अधिकृत हैं? तो ये हैं 22। अगला, वर्तमान स्वरूप में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन है कि चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है रीवा में। अगला, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला, पुनासा बांध कहाँ पर है? तो ये है खंडवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है हर्ष कुमार भानवाला। अगला, रजनीश कुमार किसके अध्यक्ष हैं? तो SBI के हैं ये। अगला, तारकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तारकेश्वर मंदिर है आगरा में। एक क्वेश्चन आया था कि पुरातत्व संग्रहालय में सांची की स्थापना किसने की? तो ये की थी जॉन मार्शल ने। और एक क्वेश्चन था कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, या कह सकते हैं सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है गुना में। एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश परत भूमि अधिनियम कब लागू किया गया, ये क्वेश्चन था।
एक क्वेश्चन है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब लागू हुई, तो 1 अप्रैल 1999 को। अगला, खरीफ का अनाज उत्पादन मध्य प्रदेश में 2016-17 में कितना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेसा आर्किड अभयारण्य कहाँ पर है, तो सेसा आर्किड अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। अगला, सरकार बैलगाड़ी खरीदने के लिए कितना अनुदान देती है, 50% देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया, 111 किलोमीटर। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।